अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अहम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की रोशनी, जहां मैं आपको हमारे दीन इस्लाम, हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको आइंदा भी इसी किस्म की अहम मालूमात देता रहूँ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें और जगहें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग कयास आराइयाँ कर करके उनको पुरेसार और मशकूक बना देते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी कहानी कुछ और ही होती है। इन चीज़ों और जगहों में से एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। ये नाम बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के दरमियान समंदर में वाकई उस इलाके को दिया गया है, जहाँ पर कई कश्तियों और हवाई जहाज़ों के गायब होने का दावा किया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के हवाले से कई लोग कई बातें कहते हैं। मसलन, कुछ लोगों के मुताबिक समंदर की गहराई में इस ट्रायंगल के नीचे एटलांटिस का पुरेसार शहर वाक़े है, जो कि खुद एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और इस शहर की वजह से वहां कश्तियां और जहाज डूब जाते हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक यहां पर एलियंस ने अपनी बेस बनाई हुई है, और कुछ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि यहाँ पर दज्जाल रहता है, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। लेकिन अब हम इन कयास आराइयों से बाहर निकलकर हकीकत पर नज़र डालते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इन हादसात में से ज़्यादातर हादसात कुदरती तौर पर हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि समंदर की तह में मीथेन गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हो सकता है कि ये मीथेन गैस ही इन कश्तियों और जहाज़ों के डूबने की वजह बनी हो। दूसरी बात यह है कि ये इलाका समंदर के ऐसे हिस्से में है जहाँ पर बहुत सारी आंधियाँ और समंदरी तूफान आते रहते हैं, और काफ़ी सारी कश्तियाँ और जहाज़ इन आंधियों और तूफानों में फंस कर भी डूब सकते हैं। और इसके अलावा समंदर के इस हिस्से से काफ़ी सारी कश्तियाँ और जहाज़ गुजरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर समंदर के उन इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा हादसात होते हैं जहाँ से कम कश्तियाँ और जहाज़ गुजरते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बरमूडा ट्रायंगल की इस वीडियो से आपके कुछ शकूक दूर हुए होंगे। अगर आपको इस हवाले से कोई और मालूमात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और उसे अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।